सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। को मानती है कि एको हम बहु श्यामा। संस्कृत इस सब का आधार है। अगर भारत के अंदर आप जितनी भी भाषाएं हैं, यहां तक कि दुनिया की भी तमाम ऐसी भाषाएं हैं जिनका आधार संस्कृत है, और वहां से निकल करके फिर वह सभी को एक साथ जोड़ने की क्षमता भी रखती है। देश के बड़े भूभाग को जोड़ने का कार्य हिंदी करती है, और इसीलिए अब याद करिए, देश की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके हाथों में देश की स्वाधीनता का आंदोलन आया, तो उन्होंने एक स्वर से इस बात को बड़ी प्रखरता के साथ कहा। उन्होंने कहा, हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। उन्होंने हिंदी को पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की वकालत की, पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों को उसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया, और देखते ही देखते जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनके राज में सूर्य अस्त नहीं होता, उन अंग्रेजों को भी भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बड़ी ताकत होती है, इस शब्द की ताकत है। जिस भाव के साथ हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वह किस रूप में है, यह उस शब्द की ताकत को बढ़ाता है। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा ने शब्द को ब्रह्म कहा है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है, और सत्य है तो स्वाभाविक रूप से शाश्वत भी है। भाषा के शाश्वत स्वरूप को पहचानना और उसके अनुरूप लोगों के लिए सुलभ बना देना, वह एक अमर कृति बन जाती है। जहां पर भी शब्द के इस ब्रह्म के तत्व को समझने का प्रयास हमारे साहित्यकारों ने किया है, वहां पर वह शब्द ब्रह्म बनकर के शाश्वत बन गया। एक सामान्य व्यक्ति के मन में एक भावना फूटती है, अचानक उसके मुंह से एक श्लोक फूट पड़ता है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण के रूप में रच डालता है। एक लंबी कहानी है साहित्य की, और हम भारतवासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि दुनिया को साहित्य का पाठ तो हम लोगों ने पढ़ाया है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत देता है। लौकिक संस्कृत का सबसे बड़ा दुनिया का महाकाव्य भारत ने दिया है। महाभारत के रूप में एक ऐसा पवित्र ग्रंथ भी भारतीय मनीषा देती है, जिस बात को पूरी दमदारी के साथ कहने का साहस करती है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी इस धरती पर है वह इस ग्रंथ में है, और जो इसमें नहीं वो दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। केवल भारतीय मनीषा ही इस बात की दावा कर सकती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से वह कुछ दे सब कुछ दे दिया। रामचरितमानस तो अवधि में, लेकिन भक्ति के माध्यम से देश की स्वाधीनता की शक्ति को जगाने की कितनी ताकत रामचरितमानस ने दी, वह किसी एक बंधन में नहीं बंधा। हिंदी में है, संस्कृत में है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, कुछ नहीं। अवधि को भले ही भारत के संविधान ने मान्यता न दी हो, लेकिन रामचरितमानस को तो भारत का जन जन समर्थन देकर के रामचरितमानस का पाठ कर
करता है अपने घरों में, यह है भारत की ताकत। और यह वास्तविक ताकत, इस वास्तविक ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि आज भी हम अपने आप को पहचानने में भूल कर रहे हैं। मेरा यह मानना है हमारी हर भाषा रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। लोग कहते हैं संस्कृत में को रोजगार के साथ जोड़ो, ये भारत का ऋषि बहुत पहले जोड़ चुका है। मेरा यह मानना संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भूखों नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता, बशर्ते वह अपनी बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से कर दे। आखिर एक संस्कृत का पुरोहित का कार्य करने वाला व्यक्ति जाता है, पुरोहित का काम करता है, लोग उनका पैर भी छूते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और सम्मान भी बढ़ाते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? लेकिन हमने उस ताकत को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हम लोगों ने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण की एक बड़ी कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। वर्षों से तमन्ना थी लोगों की, मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऑडियो दिया था, 100 वर्ष पहले गांधी जी आए थे, 1916 में गांधी जी आए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में, और उस समय उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान समय निकाल करके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। आज से 2 वर्ष पहले अगर आप भी काशी भगवान विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते तो बहुत संकरी गलियों से आपको जाना पड़ता है। बामुश्किल 5 फुट की संकरी गलियां थी, कहीं से भी आप आते थे 5 फुट के दायरे से होकर के आपको मंदिर में जाना होता था। गली होगी, भीड़ होगी तो गंदगी होगी, क्योंकि आबादी के बीच से गलियां थी। और एक आदत लोगों की बन चुकी होती है कि अपने घर का कूड़ा कोई और जगह मिले ना मिले लेकिन सड़क तो खाली पड़ी होती है, ऊपर से उठा के फेंक दो नीचे, तो गलियों में और गंदगी का ढेर होता था। हो सकता 100 साल भी पहले ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि जब गांधी जी गए काशी विश्वनाथ मंदिर में तो उन्होंने बहुत तीखी पड़ी। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज भारतीय भाषा महोत्सव की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई है, जहां पर उन्होंने कहा कि आयोजन कई संदेशों को देने वाला आयोजन है जो दुनिया में कई भाषाओं का आधार कहीं ना कहीं संस्कृत बना हुआ है। तमाम भाषाओं को लेकर यहां पर कहा गया है और व्यक्ति की अभिव्यक्ता का आधार ही उसकी भाषा होती है।